बार अशोक नगर का एक सेठ था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मतलब नहीं था, हमने बना दिया था, लेकिन टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु बड़ा अमीर आदमी, तो चंगीलाल भिखारी, तो चंगीलाल मांगने गया टिल्लू गुरु के पास भीख भिक्षा, अमीर आदमी। तो टिल्लू गुरु ने कहा मांगो क्या चाहते हो। टिल्लू गुरु बोले कुछ ज्यादा नहीं, ये जो पात्र हम बर्तन लिए हैं यही फुल भर दो बस। तो टिल्लू गुरु उस जमाने का बहुत बड़ा राजा, अरे बोले इतनी छोटी सी बात, ए मंत्रियों इधर आओ, डाल दो इसके बर्तन में मोहरे और हम जा रहे हैं। टिल्लू गुरु काम पर बिजी हो गए। खजाना साफ हो गया लेकिन बर्तन नहीं भरा, वो पात्र नहीं भरा, अगल बगल से उधार उठा के डाल दिया पर पात्र नहीं भरा। जब टिल्लू गुरु को खबर दी कि महाराज मटेरियल सब साफ, बोले कहां गया। अरे बोले आपने तो कहा था कि वो पात्र भर दो, हमने भर दिया, भरा ही नहीं रहा। बोले अच्छा ये आकर देखें तो ये कौन सा पात्र है जो भर नहीं रहा, पूरा खजाना बन गया। तो जब टिल्लू गुरु नजदीक आए उन्होंने कहा कि ये काय का बर्तन है, और जब उल्टा करके देखा तो वो कोई बर्तन नहीं, वो खोपड़ी थी, मानव की खोपड़ी, इतनी खतरनाक, कुछ भी भर दो ये पूरी नहीं भरती कभी। अच्छा भरती कैसे नहीं, इसका भी आशय समझो, ऐसे नहीं काम चलेगा। आज बढ़िया मोटरसाइकिल ले जाए तो तुम दो चार महीना बाद कहोगे गुरुजी ठंड बहुत होती है कार चाहिए, और कार मिलवा दे तो तुम कहोगे गुरुजी कार तो बढ़िया हो गई, अब जरा फॉर्च्यूनर हो जाए, फॉर्च्यूनर। अच्छा वावी लिबवा दी, फिर गुरुजी फरारी, अब वो भी लिब गई, फिर गुरुजी हर शहर में एक एक बंगला बन जाए अपना। अच्छा चल भैया खुशी रहा, अब गुरुजी हमारा बिजनेस पूरे भारत में चल जाए, मजा आ जाए। अच्छा भैया चलने लगा, अब तनक अमेरिका नेपाल में भी बिजनेस हो जाए। अच्छा भैया ले भाड़ में जा। गुरुजी एक दिन लफड़ा हो गया, क्या मीटिंग करने जा रहे थे अपनी फरारी से, तब तक जाम लग गया, मीटिंग करोड़ों की बर्बाद हो गई, अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो फटर फटर हेलीकॉप्टर चाहिए। अच्छा चल भाई हेलीकॉप्टर ले ले, अब कुछ नहीं, व्हाइट हाउस अमेरिका में एक कमरा अगर खुद का हो जाए बड़ा आनंद। अच्छा चल भाई अमेरिका में व्हाइट हाउस में कमरा हो गया, अब क्या चाहिए। गुरुजी वर्तमान में तो कुछ नहीं चाहिए पर भविष्य में अगर चांद पर प्लाटिंग हो तो एक प्लाट अपना भी होना चाहिए। ए? इसी का नाम है माया। क्या है? और ये माया कहां समाई? खोपड़ी में। ये खोपड़ी है जो कभी भरती नहीं, इसीलिए यत संतुष्टा शास्त्र कहते हैं तुम्हें जो मिले उसी में सुखी रहो, ज्यादा आपाधापी मत करो वरना बहुत जल्दी तुम उड़ जाओगे। हाँ जो मिला ना उसी में भगवान को धन्यवाद निर्विवाद। क्या? धन्यवाद निर्विवाद सुबह शाम कहिए। किसको? भगवान को। तन दिया, घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, खाने को दिए, भगवान ने भक्ति करने का मौका दिया। जब इतना भगवान ने दिया फिर भी तुम रोना रो रहे, हे भगवान दूसरों का देखकर क्यों रो रहे, अपना देख के रो, रोना क्या है। धन्यवाद निर्विवाद प्रभु धन्य हो, आपने यही धन्यवाद। अच्छा देखो पहला धन्यवाद तो इसलिए दो के मानव बनाया, अब मान लो तुम्हें भैंसिया बनाते भगवान तो क्या कथा सुन रहे होते, बोलो कहीं बंधे होते। हाँ जी या ना जी,
तो पहला धन्यवाद तो यही दो बड़े भाग मानस तनु पावा दुर्लभम मान संदेहे। बड़ा धन्य तो यही दो कि प्रभु तुमने मानव बना। अच्छा दूसरा धन्यवाद ये दो कि भारत में पैदा भए, चाइना में होते तो क्या भागवत सुन रहे होते? बोलो, चाइना में भय होते तो चिंग चौंग चांग चौंग चमंग चौंग कर रहे होते, हल्की हल्की आंखें, इतनी इतनी सी आंखें, ऐसे चांग 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 चमंग चांग यही चल रहा। और पी रहे होते सूप छंगवादर को